स्वागत है गाइस आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको गूगल पे एप्लीकेशंस के अंदर में बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाऊंगा। अगर गाइस आपको गूगल पे एप्लीकेशंस में बैंक अकाउंट को ऐड करने में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो उसका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बस गाइस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको गूगल पे एप्लीकेशंस में बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाऊंगा। गाइस गूगल पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहां से गाइस आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, स्कैन करके QR करके आपके कॉन्टैक्ट को पे कर सकते हो, उनके मोबाइल नंबर पर पे कर सकते हो और उनके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, UPI पर और सेल्फ ट्रांसफर भी कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो यहाँ से और मोबाइल रिचार्ज। लेकिन गाइस हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना है, हमें इतने सारे ऑप्शन से गाइस यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर साइड में। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, UPI ID वगैरह, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर वन बैंक अकाउंट मेरा पहले से लिंक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट को लिंक करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस इसमें आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपका एक बैंक अकाउंट पहले से लिंक है और दूसरा आपको लिंक करना है तो अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइस हो सकता है हमारी स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम जब बैंक अकाउंट को ऐड करने जाते हैं, जैसे कि मैं AU वाली बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वेरीफाई हो रहा है, मेरे को कुछ टाइम यहाँ पर लोडिंग लेगा। अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको क्या करना है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस भी आ सकता है, आप देख सकते हो कि बैंक रिस्पांस यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर हो सकता है गाइस आप आदित्य बिरला पर क्लिक कर रहे हो और आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्लिक हो गया होगा, तो इससे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो बैंक रिस्पॉन्स बताया है वो गाइस हमारी गलत बैंक की वजह से बताया है, क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा अकाउंट ही नहीं है। अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ये हो सकता है आपके सामने अदर प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या है गाइस कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर SMS सेंड किया था और वेरीफाई किया था, तो ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर ये SMS के जरिए भी चेक करते हैं, तो SMS गाइस तभी हमारे बैंक से यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब तभी हमारे बैंक वेरीफाई होगा इसमें, जब हमारे बैंक अकाउंट यानी कि अपना जो सिम है गाइस उसमें अगर रिचार्ज होगा अनलिमिटेड वाला तभी आपका बैंक यहाँ पर इसमें लिंक हो पाएगा, वरना गाइस लिंक नहीं होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर इसमें बैंक अकाउंट ही नहीं था और मेरे इसमें बैलेंस भी नहीं था, तो मेरा इसमें लॉगिन नहीं हुआ, मतलब लिंक नहीं हुआ। अभी मैं आपको यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक दोनों में से एक किसी को भी ऐड करके दिखाऊंगा और उसमें मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर मैं बैंक को सर्च कर लेता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक हम गाइस यहाँ से ले लेते हैं। हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर SMS यहाँ पर सेंड होगा गाइस, SMS चार्जेस अप्लाई। हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले तो बैंक अकाउंट फाउंड किया जा रहा है, उसके बाद में SMS सेंड किया और यहाँ पर एडिंग बैंक अकाउंट हो रहा है, मेरे को थोड़ा टाइम वेट करना है। सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, UPI नंबर हमको सेट करने की बोल रहा है, हमने UPI पिन पहले से सेट कर रखा है। हम नोट नाउ पर क्लिक करेंगे, दो बैंक अकाउंट मेरा ऐड हो चुका है, यहाँ पर हमारी स्क्रीन ब्लैक है। हम बैक आके देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे कि दो बैंक अकाउंट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला हमारा एक बैंक अकाउंट था, अभी यहाँ पर दो बैंक अकाउंट हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इसमें बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, अभी इससे आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपनी गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर में अगर एक बैंक अकाउंट से ज़्यादा बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ गाइस कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी गूगल पे एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गाइस उसमें सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलत बैंक अकाउंट चूज ना हो, और उसमें एक और बात है गाइस कि आपका जो सिम है गाइस उसमें बैलेंस होना चाहिए, तभी गाइस यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड या लिंक होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।